Hello students, welcome to Dakshina E classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. So guys, let's start our new lecture of center of mass. In the last lecture we had discussed about the impulse and we had solved some problems on impulse, calculation of impulse and the conservation of momentum, all those things we had done. So now in today's lecture we are going to start collision. Collision matlab takkar, collision between two particles or मोर देन टू पार्टिकल्स. ठीक है, तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें टाइप्स ऑफ कोलिजन और वो सब चीजें आएंगी, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, फिर उसमें और दूसरा टाइप आएगा इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक. ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे धीरे धीरे. तो कोलिजन का सीधा सा मतलब क्या है, वेन टू पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, उनके बीच में कुछ टक्कर हो रही है. सो अगर हम पहले सिंपल सा एग्जाम्पल देखें तो हम लोग जैसे कंचे खेलते हैं, वो जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं उससे खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक एक कंचे से दूसरे कंचे को हिट कर रहे होते हैं, दैट इज अ कोलिजन. जब एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट में दो कार हैं या कोई भी दो व्हीकल है वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि इम्पल्सिव फोर्स, वी कैन से इम्पल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स. बट अगेन इफ यू टॉक अबाउट द कंप्लीट सिस्टम, उस टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट्स को हम अगर कंप्लीट सिस्टम ले लें, अगेन देर आर इम्पल्सिव फोर्सेज, बट क्या है वो इंटरनल है, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया. तो अगर हम देखें वहां पे तो सिर्फ इम्पल्सिव फोर्सेज हैं और इम्पल्सिव फोर्सेज की वजह से इंडिविजुअल बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज होगा. एंड इफ देर आर दी नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज ऑल्सो, उनकी वजह से भी कुछ मोमेंटम चेंज होगा, बट दैट विल बी वेरी स्मॉल. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि उनके बीच में इम्पल्सिव फोर्स तो आया, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, बट फॉर द कंप्लीट सिस्टम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज स्टिल वैलिड बिकॉज दोज फोर्सेज आर इंटरनल. तो हमारे पास कोलिजन के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे अगर एक जोर से इसको अगर पंच मारा जाए, दैट इज ऑल्सो कोलिजन, कोलिजन बिटवीन वॉल, सर्फेस ऑफ वॉल एंड दी हैंड. ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होता है, क्लियर है चीज. तो अब कोलिजन के बारे में जो थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो हम एक एक करके देखेंगे. तो बेसिकली कोलिजन क्या होता है, इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम. पहले कुछ मोमेंटम था, बाद में कुछ मोमेंटम है, बट दैट मोमेंटम इज स्टिल कंजर्व, पहले भी वही था, अभी भी वही है, कंजर्व है मोमेंटम. बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द सिस्टम, तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसका मोमेंटम चेंज हो गया. ठीक है, इसका इनिशियली कुछ मोमेंटम था और इसका भी था, फाइनली बोथ दी बॉडीज हैव अ डिफरेंट मोमेंटम, बट द कंप्लीट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज चेंज. तो बेसिकली वी कैन से कि जो मोमेंटम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, उतना ही है अभी भी, कंप्लीट सिस्टम का उतना ही है, बट इन दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया मोमेंटम का. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज कमिंग विद वेलोसिटी u1 एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 इज गोइंग विद वेलोसिटी u2, और इनके बीच में होता है कोलिजन. एंड आफ्टर दिस क्या होगा, लेट्स से m1 इज मूविंग विद v1 एंड m2 इज मूविंग विद v2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा. यहाँ पे मान लो m1 एंड m2 दोनों इंटरेक्ट किए, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगा, m1 पे m2 ने लगाया इन दिस डायरेक्शन, m2 पे n1 ने लगाया इन दिस डायरेक्शन. सो ये कैसा है, इंपल्सिव फोर्स है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इसका मोमेंटम चेंज होगा, इसका मोमेंटम चेंज होगा. सो फाइनली इट हैज m1 v1 एंड दिस हैज m2 v2. तो कंप्लीट सिस्टम के लिए मोमेंटम कैसा है, अभी भी वही है, बिकॉज दीज फोर्सेज आर इंटरनल. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मोमेंटम था उसका क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया. सो व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड अ नॉर्मल फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम. ठीक है, अब इसमें क्या प्रोसेस होती है कि भाई ये दोनों पहले कोलाइड करेंगे. ठीक है, ऐसे कोलाइड किए, थोड़ा सा उसमें जब कोलाइड करेंगे अ फोर्स, नॉर्मल फोर्स विल एक्ट बिटवीन देम. अब इनके बीच में कोलिजन के टाइम पे क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई बॉडी डिफॉर्म हो जाए. ठीक है, डिफॉर्म हो जाए फिर रिफॉर्म हो जाए, तो ऐसे कोलाइड होकर के सम बॉडीज विल कम इनटू देयर ओरिजिनल शेप. कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगी. जैसे हमने क्या किया, जब हम दो कंचों से जब हम खेल रहे हैं, तो वेन वी आर हिटिंग दी बॉडीज, उसमें कंचे के शेप में कोई चेंज नहीं आया, वो जैसा था वैसे ही रहा. बट नाउ इमेजिन अगर आप एक स्पंज वाली बॉल लो और उसको आप बहुत जोर से इस वॉल पे मारो, तो क्या होगा, इन दैट केस वो बॉल वहां पे जब जाएगी उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, वो बॉल थोड़ी सी दब जाएगी, एंड देन अगेन इट विल रिगेन इट्स शेप. तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफॉर्म हुए और फिर जैसा का वैसा ओरिजिनल शेप में आ गए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी ग्लू से, ग्लू या फिर आपके जो अपने पास आटा जो होता है, गीला आटा, गीले आटे से बनी हुई आप एक बॉल बनाओ, है ना, ऐसे गोल शेप बनाओ और उसको एक बॉल पे फेंको,
और उसको किसी व्हीकल पे फेंको, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टिक टू दैट व्हीकल और इट विल स्टिक टू दी वॉल, और वो कम्प्लीटली अगर आपने गोल बॉल की तरह बनाया था वो उस पर जाकर के उसका शेप ही चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली इन दैट केस डिफॉर्म हुआ और डिफॉर्म रह गया, इट हैज नॉट गेन्ड इट्स ओरिजिनल शेप. सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस थिंग्स की कोलिजन में क्या क्या हो रहा है, कोलिजन कैसे हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर डिवाइडिंग द कोलिजन इन डिफरेंट, वी आर क्लासिफाइंग द कोलिजन बेसिकली. सो टाइप्स ऑफ कोलिजन में लिख लेंगे, पहला हेड ऑन कोलिजन, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है. फर्स्ट इज हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन, ऐसे करके दो सेक्शन बना लो. सो हेड ऑन कोलिजन में क्या है, डायरेक्ट कोलिजन होता है बिटवीन दी पार्टिकल्स. सो जस्ट राइट, when velocities of bodies are along the line of impact or along the line of action of impulse acting at the instant of collision, that those kinds of collision are known as head on collision. ठीक है, so collision in straight line, आप बोल सकते हो collision in straight line. So basically what is happening, we have m1 and here m2, their velocities are like this. ये एक केस हो सकता है u1 u2, और m1 is like this u1 m2 u2. ठीक है, so इस तरीके से their line of motion is this, they are moving along this line, और इनमें जो impulse लगेगा when they are colliding, तो इस पे लगेगा इस side, इस पे लगेगा इस side. ठीक है, दोनों ही केस में the impulse will be acting, इस पे इस side लगेगा, इस पे इस side लगेगा. क्लियर है ये चीज? तो यहां पे लाइन ऑफ मोशन यही है, लाइन ऑफ मोशन यही है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ इंपल्स, लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ इंपल्स यही है, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज, या फिर वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर आल्सो इन दिस डायरेक्शन. सो हियर वी हैव, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज, एंड दिस लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ इंपल्स इज ऑल्सो सेम. सो यू कैन राइट लाइन ऑफ मोशन इज सेम एज लाइन ऑफ इंपैक्ट और इंपल्स. लाइन ऑफ मोशन इज सेम एज लाइन ऑफ इंपैक्ट. इन दैट केस हमारा जो कोलिजन होगा इट विल बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. कोलिजन जो पूरा होगा, वेलोसिटीज, इंपल्स फोर्सेस, इंपल्सिव फोर्सेस, ऑल आर एक्टिंग इन द सेम लाइन, इसी लाइन में लग रहे हैं. दैट काइंड ऑफ फोर्सेस, दैट काइंड ऑफ कोलिजन आर हेड ऑन कोलिजन. मतलब बेसिकली ऐसे फेस टू फेस सीधा जाके टकरा गए, डायरेक्ट कोलिजन. क्लियर है ये चीज? इसी में दूसरा आता है ऑब्लिक कोलिजन. ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा कि वेलोसिटीज किसी और डायरेक्शन में है एंड कोलिजन किसी और डायरेक्शन में हुआ. लाइन ऑफ मोशन इज डिफरेंट एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट इज डिफरेंट. तो जैसे हमारे पास केस है कि एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है. नाउ ये कहां पे टकराएंगे? ये इस जगह पे टकराएंगे. ये इधर आएगा, मान लो ये इधर गया और ये इधर आया, तो जब टकराएंगे तब कैसा सीन होगा? कुछ इस तरीके से. ठीक है ना? तो अब यहां पे क्या है, ये दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट. सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? ये है. तो नाउ जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट. नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट. सो इस पे नॉर्मल कुछ इस तरीके से लगेगा और इस पे नॉर्मल कुछ इस तरीके से लगेगा. सो इंपल्सिव फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटीज वर इन दिस डायरेक्शन. इसका लेट्स से यू वन इधर और इसका यू टू इधर, यू वन एंड यू टू. सो यहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट इज दिस and line of motion is this. Clear? So line of motion is not same as line of impact. Clear ये चीज? तो इसको हम बोलते हैं oblique collision. जैसे कोई हम ऐसे जा रहे हैं और कोई ऐसे आ रहा है, साइड से धक्का लेके निकल गया, साइड से धक्का लेके निकल गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसा होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेंगे और लाइन ऑफ मोशन ये है. सो वैसे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा किसी एंगल पे है हम लोग का, डायरेक्ट ऐसे हेड ऑन कोलिजन नहीं है, दोनों के सर ऐसे नहीं टकराए, थोड़ा सा जो कोलिजन है इट इज एट सम एंगल, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन. दूसरा जो क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है इलास्टिक कोलिजन, एंड तीन आ जाएंगे इसमें, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड पार्शियली इनइलास्टिक. सो हियर वी हैव परफेक्टली इलास्टिक, फिर पार्शियली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक. सो
परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, जब हमने बोला कि बॉडीज जब कोलाइड कर रही हैं देयर इज सम डिफॉर्मेशन फिर रिफॉर्मेशन, मतलब पहले शेप बिगड़ गया फिर शेप वापस गेन हो गया, तो अगर यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक तब आता है व्हेन द बॉडीज आर कमिंग टू देयर ओरिजिनल शेप, आफ्टर द कोलिजन बॉडीज आर रीगेनिंग देयर ओरिजिनल शेप, तो यहाँ पे क्या होगा द ओरिजिनल शेप इज रीगेन इन केस ऑफ परफेक्टली इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, सो बॉडीज रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब इसकी जब आप बात करो इसमें यहां पे लिख लो पहला पॉइंट रीगेन पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक में यह है कि जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा रीगेन नहीं हो पाएगा, जो डिफॉर्मेशन हुआ रीगेन नहीं हो पाएगा, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा बोथ द बॉडीज विल गेट स्टक विथ ईच अदर, दोनों स्टिक हो जाएंगी एंड बोथ द बॉडीज विल मूव टूगेदर, बॉडीज विल स्टिक विथ ईच अदर एंड विल विथ ईच अदर एंड विल मूव टूगेदर आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है बॉडीज क्या है इस केस में कोलिजन हुआ कुछ डिफॉर्मेशन अगर हुआ फिर से दे हैव गेन देयर ओरिजिनल शेप, इस केस में जैसे हमने देखा था आटे का अगर हम गोल आटे का बॉल बनाए तो उसमें क्या है हो सकता है कि वो स्टिक ना हो स्टिक हो के या फिर आप कोई ऐसी चीज हम लोग ले सकते हैं कि उसमें शेप जो है वो बिगड़ रहा है और वो बिगड़ा ही रह गया, जैसे हमने आटे की बॉल बनाई उसके शेप में थोड़ा सा चेंज आ गया और फिर उसके बाद दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, और तीसरा केस कि आटे की बॉल उस जिस बॉडी पे हमने हिट किया था जिस बॉडी से कोलाइड हुई थी उस पे स्टक हो गई, क्लियर। सो दीज थ्री केसेस आर देयर, इसमें क्या होगा इन दिस केस नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्लियर, नो लॉस ऑफ एनर्जी, और हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। इस केस में क्या होगा इन दीज टू केसेस विल हैव लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वापस से रीगेन हो रहा है शेप, यहां पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, इन दीज टू केसेस एनर्जी का लॉस होगा, जो हमने केसेस देखा था जैसे हमने ब्लॉक में व्हेन अ बुलेट इज हिटिंग द ब्लॉक इन दैट केस दैट बुलेट वाज गेटिंग इंसर्टेड इन द ब्लॉक एंड इट वाज मूविंग विद द ब्लॉक, सो दैट इज अ टाइप ऑफ व्हिच कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, इन दैट केस कोलिजन वाज परफेक्टली इनइलास्टिक बिकॉज द बुलेट इज गेटिंग एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड बोथ द सिस्टम आर मूविंग टुगेदर, सो देयर वी हैड सीन that there was some loss in kinetic energy, not some loss, there was a lot of loss in kinetic energy because initially before collision when we had found the value of kinetic energy it was 5000 joule and after collision it was only 500 joule, matlab bahut sari jo kinetic energy hai uska wahan pe kya ho gaya tha loss ho gaya tha, so in this case there is no loss, in these two cases there are some losses in the energy of the system, so now when we talk about the collision isme ek term aata hai coefficient of restitution, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन का थोड़ा सा मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि अगेन गेनिंग द इनिशियल कंडीशन, रेस्टिट्यूशन मतलब फिर से जो ओरिजिनल कंडीशन थी उसको गेन करना, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि जो भी कोलिजन हो रहा है हर कोलिजन के लिए वी विल हैव अ वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जैसे आप जब आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते थे तो हम लोग सर्फेसिस के बीच में इफ वी हैव टू बॉडीज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इट वॉज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ द सर्फेसिस विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो जब भी उनके बीच में फ्रिक्शन लगता था वहां पे कुछ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता था, तो यहाँ पे जब कोलिजन होगा तो हमने देखा कि इन सम केसेस आफ्टर कोलिजन द बॉडीज आर गेनिंग देयर शेप, अपना ओरिजिनल शेप गेन कर रहे हैं, इन सम केसेस दे आर नॉट गेनिंग देयर शेप, कुछ केस में कंप्लीटली दे आर गेटिंग स्टक विथ या स्टिक विथ ईच अदर और फिर दोनों बॉडीज साथ में मूव कर रहे हैं, इन पार्शियली इनइलास्टिक द बॉडीज विल हैव देयर शेप डिफॉर्म लेकिन हो सकता है कि वो अलग अलग मूव कर रहे हो, परफेक्टली इनइलास्टिक में दे विल बी मूविंग टुगेदर, तो इसका मतलब इन सम केसेस दे आर गेनिंग द ओरिजिनल शेप एंड साइज, इन सम केसेस दे आर नॉट गेनिंग,
सो बिकॉज ऑफ दैट हमने हर कोलिजन से एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हमने अटैच किया कि भाई अगर डिफॉर्म हो रहा है कितना डिफॉर्म हो रहा है, कंप्लीटली डिफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट एवरी टाइप ऑफ कोलिजन विल हैव सम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो रेस्टिट्यूशन का मतलब कि वो रीगेन कर पा रहा है या नहीं. अगर कंप्लीटली रीगेन कर पा रहा है इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बनाएगा. अब हम देखते हैं कैसे. तो पहले लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इट इज रिप्रेजेंटेड रेस्टिट्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई. ठीक है. तो अब यहां पे जब कोलिजन होता है सो व्हाट वी हैव इनिशियली दिस वाज मूविंग विद यू वन, इट इज मूविंग विद यू टू, इट्स मास इज एम वन, इट्स मास इज एम टू. Now, if collision is happening, it means U1 is greater than U2. After the collision, what will happen? M1 will move with some velocity V1 and M2 will move with some velocity V2. ठीक है? तो M1, M2, अगर collision हो रहा है, it means U1 is greater than U2. Now, when they will collide, तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में impulse will act. इस पे इधर normal लगा, इस पे इधर normal लगा. ठीक है? And normal का यहाँ पे क्या जाएगा? When we will calculate इम्पल्स इट विल बी एनडीटी फॉर वन एंड माइनस एनडीटी फॉर दी अदर. नाउ अब ये कितनी स्पीड से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से अगर आ रहे हैं देन यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा, लेट्स से इसकी स्पीड U1 इज वेरी मच ग्रेटर देन U2, U1 इज वेरी मच ग्रेटर देन U2, तो बहुत ज्यादा जब U1 बड़ा होगा तो कोलिजन भी उतना ही स्ट्रांग होगा. यहाँ पे जो इम्पल्सिव फोर्स आएगा नॉर्मल, दैट विल हैव अ हाई मैग्नीट्यूड. और जब इसका हाई मैग्नीट्यूड होगा तो यहाँ पे जो डिफॉर्म होने की जो टेंडेंसी है इनके बीच में, डिफॉर्मेशन, यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी है इट विल बी मोर व्हेन नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग मोर. क्लियर है? और तो ये हो गई डिफॉर्मेशन की बात. सो डिफॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफॉर्मेशन इज डिपेंडिंग ऑन कि कितनी वेलोसिटी से वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. अगर बहुत हाई वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ इम्पल्स विल एक्ट एंड हाई अमाउंट ऑफ देयर इज अ हाई टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्मेशन. क्योंकि बहुत ज्यादा इंपल्स लगेगा देन यहाँ पे इस पे नॉर्मल फोर्स, इस पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा है. डिफॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो कब ज्यादा होगी? व्हेन वी हैव मोर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बहुत ज्यादा है तो डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी. सो डिफॉर्मेशन इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. क्लियर? नाउ आफ्टर द कोलिजन दे आर गेटिंग सेपरेटेड. यहाँ पे क्या हो रहा है? उनके बीच में सेपरेशन हो रहा है. अब यहां पे जो रिफॉर्मेशन की टेंडेंसी है, रिफॉर्मेशन मतलब वापस अपना शेप गेन करेंगे या नहीं करेंगे. ठीक है? सो रिफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? कि कितने स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं. तो इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है? कैसे? अब यहां पे इनके बीच में सेपरेशन है. अगर V2 is very much greater than V1, इसका मतलब क्या हुआ? कि कॉलिजन के टाइम इस पे नॉर्मल इधर बहुत ज्यादा लगा. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? वंस व्हाट विल हैपन? U1 है, U2 है, स्लोली दैट U2 विल बिकम जीरो एंड फिर इनकी नई वेलोसिटी आएगी. जैसे इस केस में क्या है? हाँ, इसमें यहां पे जीरो नहीं हो रही है बिकॉज ऑलरेडी दे हैव वेलोसिटीज इन दिस डायरेक्शन. तो यहां पे क्या होगा? इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज होगी. नाउ इनिशियली U1 वाज वेरी मच ग्रेटर देन U2. अब इस केस में क्या है? V2 इज वेरी मच ग्रेटर देन V1. इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो गई. नाउ V2 इज ग्रेटर देन V1 ना, तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो गई और इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई. ठीक है? तो यहां पे व्हेन दिस नॉर्मल फोर्स, जब ये नॉर्मल फोर्स, पहले दोनों डिफॉर्म हुए और फिर उसके बाद क्या होंगे? रिफॉर्म होंगे. तो अब यहां पे इफ V2 इज वेरी मच ग्रेटर देन V1, तो इनके इनके बीच का सेपरेशन क्या है? बहुत ज्यादा है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो जितने जिस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा है. तो इन दैट केस जब ये सेपरेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये V2 बहुत ज्यादा बढ़ गया. इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा था नॉर्मल वो बहुत ज्यादा था. V1 इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो गई. इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा था इन दिस डायरेक्शन वो बहुत ज्यादा है. तो यहां पे रिफॉर्मेशन जो है, रिफॉर्मेशन विल डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं ये लोग? तो ये इसकी तरफ आ रहा है और ये इससे दूर जा रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? U1 माइनस U2. कितने वेलोसिटी से ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं? इट विल बी
u1 minus u2, और यहाँ पे velocity of separation, तो ये v2 से दूर जा रहा है और ये v1 से उसके पास आ रहा है, तो velocity of separation क्या हो जाएगा, v2 minus v1. So velocity of separation is v2 minus v1, velocity of approach is u1 minus u2. ये इसकी तरफ आ रहा है and then it is going away. तो क्या हो जाएगा, ये तो इसकी तरफ आ रहा था but it is going away, तो velocity of approach थोड़ी सी कम हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, u1 minus u2. Velocity of separation will be, ये इससे दूर भाग रहा है v2 से and ये उसके पास आ रहा है, तो separation, ये v2 से दूर भाग रहा है, ये उसके पास आ रहा है, तो velocity of separation will be v2 minus v1. तो यहाँ पे हमारा जो coefficient of restitution है वो किस पे डिपेंड करेगा. So coefficient of restitution, restitution मतलब कि वो regain कर पा रहा है या नहीं, ठीक है, उसमें reformation करने की कितनी capability है. So reformation, जो system में reformation होने वाला है वो अगर ज्यादा है तो coefficient of restitution ज्यादा होगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, coefficient of restitution depends on impulse of reformation, impulse of reformation divided by impulse of deformation. Basically what we want to do, we want to regain the original shape of the system, original condition of the system. तो किस पे डिपेंड करेगा, reformation पे डिपेंड करेगा ना, कि whether you are gaining the original condition of the system or not. और इस पे inversely डिपेंड करेगा कि how much the system has reformed. जितना ज्यादा सिस्टम डिफॉर्म हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उतना कम होगा, और जितना ज्यादा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा. सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. नाउ वी नो दैट इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो नाउ वी हैव दैट रिफॉर्मेशन and velocity of separation are related, deformation and velocity of approach are related, so it will be equal to velocity of approach. So वैसे ये हमारे इसमें इतना होता नहीं कि हमें इसको समझना पड़े कि कैसे coefficient of restitution आ रहा है. Coefficient of restitution directly आपको बताया जाता है, it is equal to velocity of separation by velocity of approach. But अगर हम चाहें तो we can understand by the प्रोसेस कि कैसे यहाँ पे जो रिफॉर्मेशन हो रहा है डिफॉर्मेशन हो रहा है एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि रीगेनिंग द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, उसका थोड़ा जो मतलब है वो इसी टाइप का आता है कि रीगेनिंग द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम. सो इफ डिफॉर्मेशन इज मोर इट इज डिफिकल्ट टू रीगेन द ओरिजिनल कंडीशन, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी inversely proportional to deformation. If we have large impulse of reformation, iska matlab we have large possibility to regain the original condition of the system. So it will depend on reformation and inversely proportional to deformation. And reformation matlab it is related with velocity of separation. Deformation is related to velocity of approach. So now jo coefficient of restitution aata hai, it is E is equal to velocity of separation by velocity of approach. ठीक है, अब velocity of separation अगेन एक बार देख लेंगे, यह है m1 u1 से जा रहा है, यह है m2 u2 से जा रहा है. तो velocity of approach क्या है, velocity of approach is ये u1 से उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन ये u2 से उससे दूर भाग रहा है. सो u1 डेफिनेटली इस केस में क्या है, अगर अप्रोच कर रहे हैं, अगर कोलिजन की कंडीशन है, पहली चीज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा. अगर ये अप्रोच कर रहे हैं मतलब u1 इज ग्रेटर देन u2, डेफिनेटली तभी कोलिजन होगा. कोलिजन नहीं हुआ तो कहां का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड आफ्टर कोलिजन ये रहा m1 ये रहा m2. If they are getting separated, collision हुआ और फिर एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो definitely हम direction ऐसे ले लेते हैं v2 and v1. तो अगर ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब definitely v2 is greater than v1. ठीक है? तो क्या हुआ? एक दूसरे की तरफ approach किए, collision हुआ और उसके बाद अपने-अपने दोनों separately जा रहे हैं. ठीक है? तो velocity of separation, so definitely v2 will be greater than v1. Now
आपको लिखना है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो कैसा होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन व्हाट आई राइट, ये उससे v2 से दूर भाग रहा है और ये v1 से उसकी तरफ आ रहा है. तो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और मुझे बेसिकली क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, v2 minus v1 because v2 is greater and v1 is smaller. और यहां पे मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चाहिए, तो आई नो u1 is greater and u2 is smaller. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू v2 minus v1 divided by velocity of approach which is u1 minus u2. So your coefficient of restitution is v2 minus v1 divided by u1 minus u2. इसको याद रखेंगे. Now when we will have different types of collision, elastic, inelastic, partially inelastic, perfectly elastic, in that cases we will have some values of coefficient of restitution. अब आपको पता है कि जो आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक इसमें कंप्लीटली इट गेन्स द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम. परफेक्टली इलास्टिक में इट विल गेन द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम. तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आता है इसके लिए, वन. पार्शियली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा, फाइनली बोथ आर गोइंग टू मूव विद सेम वेलोसिटी. दिस ऑब्जेक्ट हमने जो m1 m2 लिया था, m1 एंड m2, ये u1 से गया, ये u2 से गया एंड फाइनली दे आर मूविंग टूगेदर m1 एंड m2 विद सम v वेलोसिटी. बिकॉज इन परफेक्टली इन इलास्टिक दे आर गोइंग टू मूव टूगेदर, दोनों एक बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे. सो दे आर गोइंग टू मूव टूगेदर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, दे आर नॉट गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना. तो v2 minus v1, ये भी v, it is zero. So in perfectly inelastic, E is equal to क्या आता है, it is zero. And partially inelastic के लिए in between आता है, E is from 0 to 1, E varies from 0 to 1. पर partially inelastic के लिए it can be half, है ना, उसके बाद 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, कुछ भी हो सकता है. So in partially inelastic, we have values of E is equal to, it varies from 0 to 1. तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, जीरो टू वन मतलब अगर हाफ है, मतलब आप कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि जो सिस्टम है आफ्टर कोलिजन उसने 50% ही रिफॉर्मेशन कर पाया है, 50% ही अपनी जो कंडीशन थी ओरिजिनल उसको गेन कर पाया है. सो लाइक दिस यू कैन से किसी में ज्यादा गेन कर लेगा ओरिजिनल कंडीशन, किसी में कम गेन कर पाएगा. जैसे मान लो 3/4 है, 1/4 एंड 3/4, इफ ई इज इक्वल टू 3/4 मतलब वो 75% उसने ओरिजिनल कंडीशन गेन कर लिया. अगर 1/4 है मतलब 25% ही कर पाया. सो बेसिकली इतना एग्जैक्टली वैसे नहीं होता है, हम ऐसे एग्जैक्टली प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि 1/4 का मतलब ये हुआ, बट आप अगर ऐसे थोड़ा फील करना चाहो तो ऊपर हम ऐसा बोल सकते हैं. तो पार्शियली इनइलास्टिक में इट विल बी एबल टू रीगेन इट्स शेप, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा कर पाएगा. परफेक्टली इलास्टिक में जैसा था अब बिफोर कोलिजन कंप्लीटली वैसा हो जाएगा आफ्टर कोलिजन. वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप एंड साइज, नॉट अबाउट द वेलोसिटीज एंड ऑल. सो इन दिस केस ए इज इक्वल टू वन. इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, जितने हाई इम्पल्स से सिस्टम डिफॉर्म हुआ था उतने हाई इम्पल्स से सिस्टम रिफॉर्म हो गया. सो कंप्लीटली पुराने जो सिचुएशन थी वही नई सिचुएशन है. सो इसलिए इन दैट केस ई इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू दिस. सो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है. और इसमें तो इन बिटवीन वाली सिचुएशन है और इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब दे आर नॉट गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर मूविंग टूगेदर. सो टू इक्वेशंस विच आर ऑलवेज वैलिड इन द केस ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे, वो एक इक्वेशन विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड अनदर इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये दो इक्वेशन है जो हमेशा वैलिड होंगे एंड इन दोनों के इक्वेशन से वी विल ड्रॉ सम रिजल्ट्स. सो अगेन वी हैव m1 विद u1, m2 विद u2 एंड फाइनली m1 v1, m2 v2. सो इफ वी अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज p initial is equal to p final we are trying to do, ठीक. And अभी हम लोग जितने collision की बात करेंगे सब head on ही हैं. इसका मतलब line of motion and line of impact are same. So simply we will आपका collision जो हो रहा है it is completely rectilinear, है ना. एक ही line पे move कर रहे हैं और उनका collision हो रहा है क्योंकि हम oblique collision की बात करने वाली नहीं है.
तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, इंपल्स भी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो सिंपली प्लस एंड माइनस लेने से हमारा काम चल जाएगा. सो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच इज ऑलवेज वैलिड, क्योंकि हर टाइम जब आप जब आप बात करोगे कोलिजन की तो उसमें फोर्सेस आएंगे, इंपल्सिव फोर्सेस, बट दोज आर इंटरनल एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन कंजर्व द मोमेंटम. सेकेंड इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सो व्हाट वी कैन राइट, इनिशियली द वेलोसिटीज वर यू वन एंड यू टू, फाइनली वी वन एंड वी टू. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज, आई एम सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वी टू माइनस वी वन एंड दिस इज यू वन माइनस यू टू. Because you know, if separation is happening, V2 is greater than V1. If approach is happening, U1 is greater than U2. And we want this to be positive. तो हमने ऐसे लिया है. And velocity of separation भी वही आएगा ना भाई, ये V2 से दूर भाग रहा है और ये V1 से उसकी तरफ जा रहा है. तो V2 minus V1. Velocity of approach ये U1 से उसकी तरफ जा रहा है और वो U2 से दूर भाग रहा है. तो U1 minus U2. So now from here we can write V2 minus V1 is equal to E into U1 minus U2. And V2 is equal to E into U1 minus U2 plus V1. Clear? Now what I'll do, I'll put these values here. So, यहां से हमारे पास क्या जाएगा? We will get M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 E U1 minus U2 plus V1. Clear? इसको आप बोल सकते हो P initial. This is P initial. So हमारे पास आ जाएगा first velocity, final velocity of first particle will be P initial minus M2 into E into U1 minus U2 plus So P initial into हमने क्या किया, ये V1 V1 वाले term को हमने अलग कर लिया. So हमारे पास क्या आ जाएगा, ये M1 V1 हो गया प्लस ये M2 V1 हो गया. सो नाउ वी हैव P इनिशियल माइनस दिस टर्म विच इज M2 इनटू E U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. नाउ इफ वी पुट दैट हियर, सो V2 विल बी इक्वल टू E इनटू U1 माइनस U2 प्लस V1. V1 क्या है, V1 इज P इनिशियल माइनस M2 E इनटू U1 minus U2 divided by M1 plus M2. If you solve this, यहाँ पे क्या जाएगा, M1 into this plus M2 into this, and now here already we have M2 into this, तो M2 वाला cancel हो जाएगा. So V2 आएगा हमारे पास, V2 is equal to P initial plus M1 E into U1 minus U2 by M1 plus M2. So this is the velocity of second particle. So after collision, the velocity of first particle will be P initial minus M2 into E U1 minus U2, velocity of approach divided by M1 plus M2, and the velocity of second particle will be P1 plus M1 E into U1 minus U2 divided by M1 plus M2. अब kinetic energy की बात आती है, तो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कंजर्व कर सकते हैं, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. सो डायरेक्टली आई हैव टोल्ड यू दैट इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो वन होता है, बट लेट्स प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी नाउ. सो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, सो इनिशियली अगेन एम वन है, यू वन से जा रहा है, M2 is going with U2. Finally, M1 is moving with V1. M2 is moving with V2. Now, I know that kinetic energy initial is equal to kinetic energy final. यहाँ पे ऊपर heading डाल लो. Perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision. So now we have half M1 U1 square plus half M2 U2 square is equal to half M1 V1 square plus half M2 V2 square. Now take half M1 V1 square in this side. So half M1 U1 square minus V1 square I can write is equal to half M2 V2 square minus V1 square U2 square.
ठीक है. सो एम टू एम टू वाला हमने ये साथ में कर दिया, ये साथ में कर दिया. सो नाउ हाफ हाफ कैंसिल. एम वन इफ यू एक्सपेंड दिस, यू वन माइनस यू टू एंड u1 प्लस u2 इज इक्वल टू m2 टू इन टू वी टू माइनस दिस इज वी वन. सो हियर वी हैव वी टू माइनस यू टू एंड यू टू वी टू प्लस यू टू. नाउ वी हैव वन मोर इक्वेशन विच इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमारे पास ये आता है. सो नाउ व्हाट आई कैन राइट, इफ आई टेक m1 वाले टर्म वन साइड, u1 minus v1 is equal to m2 into v2 minus u2, v2 minus u2. सो m1 u1 minus v1 क्या है, ये है m1 into u1 minus v1, m2 into v2 minus u2. So these two terms are same. So from here I can write u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. Or what I can write? यहाँ से हम लिख सकते हैं u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. ठीक है? So for perfectly elastic collision, I have u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. Now if you take u1 minus v2 this side, what will get? V2 minus v1 by u1 minus u2. This is nothing but coefficient of restitution, which is e. Equals to क्या आया? इसको अगर यहाँ लेके जाओगे तो ये आया 1. तो आपके पास perfectly elastic collision में, we have condition e is equal to 1. Perfectly elastic collision में e is equal to 1 होता है. Kinetic energy is conserved, momentum is conserved. Clear है? तो perfectly elastic में e is equal to आ गया हमारे पास 1. In this case, if you want to find out the velocities of individual particle, v1, v2 अगर आपको find out करना है, then we have two equations. पहला, velocity of approach is equal to velocity of separation. या फिर, you can say coefficient of restitution is equal to 1. And second equation is the equation of momentum. So what we have, m1, u1 plus m2, u2 is equal to m1, v1 plus m2, v2. And now, another equation is u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. From here we can write v1 is equal to or v2 is equal to u1 minus u2 plus v1. Keep this here. So m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 u2 is m2 v2 is this u1 minus m2 u2 plus m2 v1. I have kept value of v2 from here in this equation. So now what we'll get? m1 u1 कहीं नहीं है, m2 u2 इधर है. तो what we can write? We will write all the v1 terms on one side. ठीक है? तो m1 u1 plus m2 u2 is equal to here we have m1 plus m2, m1 plus m2 into v1 plus m2 into u1 minus u2. इसको इधर लेके आ जाते हैं तो क्या आएगा, m1 u1 plus m2 u2, ठीक है, plus m2 u2 minus m2 u1 is equal to m1 plus m2 into v1. So यहां से हमारे पास क्या आ गया, this plus this, 2m2 u2 plus m1 minus m2 into u1 is equal to m1 plus m2, या फिर इसको डायरेक्टली लिख लो तो यू विल गेट v1 is equal to this divided by m1 plus m2 into this divided by m1 plus m2. So first particle की velocity क्या आ गई, velocity of first particle is 2m2 u2 divided by m1 plus m2 plus m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1. वैसे हमारे पास v2 क्या आ जाएगा, v2 is equal to u1 minus u2 plus v1. v1 कितना है, 2m2 u2 divided by m1 plus m2 plus m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1. Now, if you solve this, what will get? So, m1 plus m2 यहां multiply होगा, m1 plus, so यह जाएगा m1 u1 minus m2 u1 plus m2 u1 minus
m2u2 माइनस m1u2, क्लियर, प्लस 2m2u2 माइनस m1u1 प्लस m1u1 माइनस m2u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, हियर वी हैव 2m1u1 by m1 plus m2 into m2u1 gone 2m2u2 minus m2u2. So now here we have plus m2u2 minus m1u2 divided by m1 plus m2. So kya aayega hamare paas, v2 is equal to 2m1u1 divided by m1 plus m2 माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे, सो दैट वी विल हैव m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इनटू u2. सो क्या आया हमारे पास, v1 इज इक्वल टू 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इनटू u1. हियर वी हैव टू, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2 माइनस, हियर वी हैव प्लस, हियर वी हैव माइनस, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इनटू u2. ठीक है, तो दिस इज द velocities of the individual particles, first and second particle in case of perfectly elastic collision. Because we have considered the situation u1 minus u2 is equal to v2 minus v1 for calculation of this equation. So this is valid for completely or perfectly elastic collision. So now let's talk about the special case in elastic collision. So special case in elastic collision. So what we'll do, first we'll write the velocities, final velocities of object which we have found out, v1, which is equal to, it is 2m2 divided by m1 plus m2 into u2 plus m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1. This is the velocity of first object after collision, and velocity of second object is 2m1 u1 divided by m1 plus m2 minus m1 minus m2 by m1 plus m2 into u2. So this is the final velocity of the second object after collision. So now our first case is, first special case is m1 is equal to m2 is equal to m. So basically we have two objects of same mass and they are going to collide with each other. So now we will see if they have initial velocities as u1 and u2, then what will be their final velocities. So just try to put m1 is equal to m2 is equal to m here. So what we'll get, v1 is equal to, this is 2m2. So if you put m2 is equal to m, this is 2m divided by m plus m, 2m. So this got cancelled. So now here we'll get u2. Now m1 minus m2, so this is m, this is m, so m minus m 0, this term is 0. So v1 is equal to u2. Now v2 is equal to, so if you put here m1 is equal to m, 2m divided by m plus m, 2m, so it is u1, and this term again it will be 0. So basically what we got, that if the two particles are of same mass, then after collision their velocities will get exchanged. So if the velocity of first object or the velocity of m1 was u1, final velocity kya hogi uski, final velocity is v1, which is equal to u2. Initial velocity of second object was u2 and v2 is equal to u1. So basically it is something like this. This is first object, this is second object, it was moving with u1, it was moving with u2, and finally after collision this is m1, this is m2. So iski velocity kya hai, its velocity is v1, which is equal to u2. So it is moving with u2 and it is moving with u1. Or if you write here, aise na likh karke yahan side mein likhoge to aapko zyada acche se yaad rahega. So yahan pe m1 hai, it is moving with u2, and m2 hai, it is moving with u1. So when we have m1 is equal to m2 is equal to m, what will happen, the velocities will get exchanged, velocities will get exchanged. ठीक है, सो इफ वी हैव टू पार्टिकल्स, वन इज कमिंग विद सम वेलोसिटी, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास इज एट रेस्ट इन इट्स पाथ, तो क्या होगा, ये इसको जाके हिट करेगा, वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज, इट्स वेलोसिटी वाज 0, सो फाइनली इट्स वेलोसिटी विल बी 0 एंड इट विल स्टार्ट मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड. सो दिस वॉज द फर्स्ट केस. नाउ राइट द सेकेंड केस. सो सेकेंड केस इज, हियर वी हैव m1, let's say m2 very much greater than m1.
So basically what we are saying that in those two objects, one object is having a very large mass. Let's say bus and a ball. Ek badi si bus aur ek ball. So m2 is very much greater than m1. और अगर हम यहाँ पे बनाए सो क्या होगा, लेट से दिस इज m2 एंड दिस इज m1, इट इज कमिंग विथ u1 वेलोसिटी, इट इज गोइंग विथ u2 वेलोसिटी, क्लियर। नाउ इन दिस केस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटीज। सो व्हेन वी हैव m2 वेरी मच ग्रेटर देन m1, m2 इज वेरी मच ग्रेटर देन m1, इट मींस इफ वी टेक m1 बाय m2, m1 by m2, so this is very small and this is very large, so denominator is very large, so this whole term is approximately 0. If you write 1 divided by 100 or 1 divided by 1000, so it will be 0.0001, so it is almost 0 or very much closer to 0. So what we are going to do, we are going to take this consideration while finding out the final velocities of the object. So initial velocity of m1 is u1, initial velocity of m2 is u2, after collision their velocities are v1 and v2, which we are going to find out for this condition when m1 is m2 is very much greater than m1. So now what I will do, in v1 I am going to divide this complete equation by m2. m2 se humne divide kiya to yahan pe kya aayega, v1 is equal to divided by m2, pure ko m2 se divide karo, so 2 u2 divided by m1 by m2 plus m2 by m2, so it is m1 by m2 plus m2 by m2 matlab 1 plus here m1 by m2 minus 1 divided by m1 by m2 plus 1 into u1. So and similarly v2 is equal to, here also we are dividing with m2, so 2 m1 by m2 into u1 divided by m1 by m2 plus 1 minus m1 by m2 minus 1 divided by m1 by m2 plus 1 into u2, clear? So now this term is 0, iska matlab this complete term is 0, theek hai? And this is 0, this is 0. So what we are getting, v2 is equal to minus of minus 1 by 1 u2, so basically it is plus u2. So v2 is equal to u2, v2 is equal to u2, and yahan pe kya raha hai, this term is, this m1 by m2 term, this is 0, so denominator kya ban gaya, 1, so it is 2u2, denominator ban gaya 1, it means it is 2u2, this is 0, this is 0, so ye kya ban gaya, minus u1, 2u2 minus u1, clear hai? So hamare paas jo velocities aayi, final velocities are v1 is equal to 2u2 minus u1 and v2 is equal to u2. Iska matlab kya hua, ki initially m2 की velocity was u2, initially velocity of m2 मतलब velocity of larger mass was u2 and finally also it is u2. So basically आप अगर एक बड़े बहुत बड़ा object है, बहुत बड़ा mass है, उससे अगर छोटा सा mass आके collide हो रहा है, it is not going to affect the bigger mass, बहुत छोटा effect होगा, और हमने because ये approximation लिया है, यहाँ से हमें क्या मिला, approximately we are getting that v2 is equal to u2, मतलब अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, इफ इट इज एट रेस्ट, उस पे अगर छोटा सा मास आके टकराए, इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, उस पे कोई छोटा सा मास आके टकराए, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। सो बेसिकली इफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कमिंग एंड हिटिंग अ बिग ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स मोमेंटम। जैसे हमने एक बड़ी बस पे अगर एक बॉल को फेंक के मारा, क्या बस की वेलोसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? नो, बस इज गोइंग टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। सो बेसिकली आपका ये एक अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उससे छोटा ऑब्जेक्ट आके कोलाइड कर रहा है, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट दी फर्स्ट वन, छोटा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे अगेन दो केसेस आएंगे, फर्स्ट केस कि m1 m2 इज एट रेस्ट, इनिशियली m2 इज एट रेस्ट और यू कैन से u2 इज इक्वल टू 0 एंड m1 इज मूविंग विद u1। सो यहां पे क्या है, m1 जो है वो u1 से इसकी तरफ जा रहा है एंड m2 जो है it is at rest, clear? So when m2 is at rest, it means u2 is equal to क्या है? 0 है. In that case, put here. So क्या आएगा हमारे पास? v1 is equal to 2u2 minus u1. 2 into 0 minus u1. It is equal to minus u1. So v1 is equal to again minus u1.
और v2 is equal to u2 is equal to 0. So now if this object is at rest, if bigger object is at rest, आपने एक छोटे से ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ फेंका, so क्या होगा? It will come with the same speed. अगर 10 meter per second से गया है, तो सीधा 10 meter per second से वापस आएगा. It is coming, its final velocity is minus of initial velocity. तो अगर ऐसे गया, तो एकदम reflect होके ऐसे हो जाएगा. And definitely here we are talking about the elastic and head-on collision. ये सारा किसके लिए है? इलास्टिक एंड हेड ऑन कोलिजन. वहां पे कोई स्टिक होने वाली बात नहीं है, या फिर वहां पे टेढ़ा वो लोग नहीं टकरा रहे, दे आर कोलाइडिंग हेड ऑन. सो इन दैट केस जैसा गया ऑब्जेक्ट वैसे रिफ्लेक्ट हो किया जाएगा. इफ इट इज गोइंग विद 10 मीटर पर सेकंड, इट विल कम विद 10 मीटर पर सेकंड. तो दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन दिस इज एट रेस्ट. तो ये रेस्ट में रखा रह जाएगा एंड इट विल कम बैक लाइक दिस रिफ्लेक्ट होके. नाउ सेकंड केस इज व्हेन m1 इज एट रेस्ट एंड m2 is moving with some velocity u2. ठीक है, अब collision होना है, ये rest, this is at rest, collision होना है, तो हमने ले लिया कि u2 इधर आ रहा है, m2 इधर आ रहा है, तभी तो collision होगा. So now m1, small object is at rest, it means u1 is equal to 0, and m2 which is bigger, it is coming with u2 velocity towards the first object, इसकी तरफ आ रहा है. अब अगर यहां पे हम value put करें, तो यहां पे क्या आएगा? v1 is equal to 2u2 minus u1. So 2u2 minus u1. u1 is 0. So it is 2u2. And v2 is equal to u2. Again क्या होगा? जो बड़ा object है उसकी velocity पे तो कुछ effect होने वाला नहीं है. If it is colliding with very small object, इसको पता ही नहीं चलेगा रास्ते में कोई आया. बढ़िया, अपना u2 से जा रहा था, u2 से जाता रहेगा, उसको फील ही नहीं होगा कि रास्ते में कुछ आया. जैसे अगर रोड पे एक पत्थर पड़ा हुआ है एंड इफ अ बस इज कोलाइडिंग विद दैट स्टोन, विद दैट स्मॉल स्टोन, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? नो, इट्स मोमेंटम इज नॉट गोइंग टू चेंज. बट अगर आप इसकी बात करो, यहां पे अगर हम इसकी m1 की बात करें, तो m1 क्या था? रेस्ट में था. अब जैसे अब पत्थर तो ऐसा है, पत्थर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, और पत्थर के तो ऊपर से चली जाती है बस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वहां पे और भी मोशन इन्वॉल्व होते हैं. बट अगर आप किसी बड़े से ऑब्जेक्ट के सामने, लेट्स से आप एक टेबल को मूव कर रहे हो, और इन फ्रंट ऑफ दैट टेबल यू हैव अ बॉल, हल्की सी बॉल है, तो अगर आप टेबल को थोड़ा सा मूव कराओगे, लेट्स से दैट बॉल वॉज एट रेस्ट, नाउ आपने टेबल को पुश किया, तो क्या होगा? टेबल बढ़िया थोड़ी सी वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन वो बॉल बहुत सारी वेलोसिटी से चला जाएगा. थोड़ा सा धक्का दोगे एंड इट विल मूव विद अ लार्ज वेलोसिटी. तो यहां पे बेसिकली क्या आ रहा है? v1 इज इक्वल टू 2u2. सो इफ द बिगर ऑब्जेक्ट, द हेवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2 एंड m1 इज एट रेस्ट, द लाइटर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन दे विल कोलाइड, आफ्टर द कोलिजन दिस इज गोइंग टू मूव विद डबल द स्पीड ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट. It is going to move with double the speed of the speed, double the speed of heavier object. इसकी speed के double speed से it will move. ठीक है? तो यहाँ पे इसपे questions आएंगे, और directly you can use कि if those particles are having same mass, उनकी velocity exchange हो गई, उस time आपको दो equation लगाने की जरूरत नहीं कि पहले coefficient of restitution का equation लगा रहे हैं, then we are using the equation of conservation of momentum. इतना करने की जरूरत नहीं है. For head-on elastic collision, if you have these condition, ऐसा कुछ कंडीशन है आपके पास, इन तीनों में से डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट दी फाइनल वेलोसिटी. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, एंड वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. और कहीं पे अगर ये केसेस यूज हो रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस. अगर ये वेलोसिटी यूज हो रही है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं. व्हेन यू विल यूज दिस फ्रीक्वेंटली, आपको ये याद भी हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस. Let's start solving the problems related to collision. So here we have problems and one by one we are going to solve. So in this question, in almost all of these questions, we have condition that collision is elastic plus head on. And then we have to find out the final conditions. So initial condition is it is moving with 4 and this is moving with 3. So what is going to happen? Directly we can say ki after the collision, they will collide, and because it is head on and elastic, it is going to move with 3 meter per second in this direction, and this one is going to move with 4 meter per second in this direction. They are just going to exchange their velocity. But this is, I am directly saying that this is going to move with 4 and the first one is going to move with 3. But aapko ye verify karna hai with the equations conservation of momentum. It is your task.
conservation of momentum will be the first equation, coefficient of restitution will be the second equation. Just do that for this, baki to aapko aayega, theek hai? In this case, what we have, it is moving with 4 meter per second and this one is at rest. Again, both of the masses are of same mass, both the particles are of same mass and the collision is elastic as well as head on. So again, they are going to exchange their velocity, it will come to rest और ये क्या करेगा 4 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा. आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, इफ यू कीप बहुत सारे कंचों को अगर आप साथ में रख दो एक दूसरे से टिके हुए एंड आप इधर से एक कंचे को दूर रख के धक्का मारो, सो यू विल सी कि लास्ट में जो कंचा था बाकी बीच के सारे रेस्ट में रखे रह जाएंगे एंड द लास्ट वन विल मूव विथ दिस वेलोसिटी. जो आपने फर्स्ट वाला जो हिट किया था इट विल मूव विथ ऑलमोस्ट दैट वेलोसिटी. अब बेसिकली रियल लाइफ में हम लोग कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन तो नहीं देखते हैं बिकॉज कुछ ना कुछ हीट लॉस तो होता ही है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत हीट वगैरह लॉस होता है, तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन तो नहीं होते, बट इट इज ऑलमोस्ट इलास्टिक. यू आर हिटिंग, यू हैव अ सेट ऑफ कंचा यू कैन से फ्रॉम हियर एट दिस पॉइंट, और यहां से आपने एक से हिट किया तो बाकी बीच के जैसे के वैसे रह जाएंगे एंड दैट विल गेट ट्रांसफर टू दी अदर. सो बेसिकली क्या हो रहा है, इसके बीच में कोलिजन हुआ तो ये रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आया इसको वेलोसिटी मिली, फिर इससे इसका इससे कोलिजन हुआ तो ये रेस्ट में आया इसको वेलोसिटी हुई फिर मिली, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया खुद रेस्ट में आ गया, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया खुद रेस्ट में आ गया, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया खुद रेस्ट में आ गया. नाउ इट इज मूविंग विद दैट वेलोसिटी, क्लियर? So these are the example of that. Now here we have 2m and m. इसमें 2m है और यहाँ पे m है. And we have to find out the final velocities, elastic and head-on collision. So we will solve from third problem. So in third problem we have 2m is moving with 2v and m is moving with v. So here we have u1 is equal to 2v, m1 is equal to 2m. U2 is equal to V and M2 is equal to M. So here we have head-on and elastic collision. So elastic collision में क्या होगा? Velocity of approach is equal to velocity of separation. Or you can say U1 minus U2 is equal to V2 minus V1. Velocity of separation. हमने मान लिया कि finally it is moving with V2 and it is moving with V1, जो कि हम हमेशा usually लेते हैं. So V2 minus V1. V2 minus V1 is the velocity of separation. ये भाग रहा है, ये उसकी तरफ जा रहा है. तो V2 minus V1 and velocity of approach will be U1 से ये उसकी तरफ जा रहा है और ये U2 से और दूर भाग रहा है. तो velocity of approach will be U1 minus U2. So U1 is 2V minus U2 is V is equal to V2 minus V1. So here we have V is equal to V2 minus V1 is equal to V. First equation. Now second equation will come from conservation of momentum. So we will apply conservation of momentum. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. So here we have M1 U1 is equal to plus M2 U2. So U2 here we have plus V. Correct. Is equal to M1 V1 plus M2 V2. So from here we will get 4V plus V 5V is equal to 2V1 plus V2. And from here we have V is equal to V2 minus V1. So just subtract this. What we'll get? V2, V2 get cancelled. 4V is equal to 3V1. So V1 is equal to 4 by 3V. And V2 is equal to, V2 will be equal to V plus V1. So V plus 4 by 3V, that is 7 by 3V. So this one is going to move with 7 by 3V and this one is going to move with 4 by 3V. Clear? Now fourth question. In fourth question what we have? It is moving with 2V and this is moving with V in this direction. It is 2M and here it is M. So M1 is, this is M1, this is M2. U1 is 2V. U1 means velocity of this. U2 is, now it is minus V because it is in this direction. So now what we'll write? Velocity of approach is equal to velocity of separation. Let's say it is moving with V2 finally and it is moving with V1. Or V1 and here V2. So what we have? Velocity of approach. Velocity of approach will be, it is going with 2V, it is coming with minus V. So they are approaching, they are both are, both velocities will get added. Or if you want to write U1 minus U2 is equal to V2 minus V1, which is equal to U1 is 2V minus minus V. So plus V is equal to V2 minus V1. This is our first equation. V2 minus V1 is equal to 3V. Now next equation will come from conservation of momentum. So 2V into 2M minus M into V. Why? M
into minus v, so I directly wrote minus mv is equal to 2m into v1 plus m into v2. 2m into v1 plus m into v2, final momentum. So m, 4v minus v is equal to 2v1 plus v2. And now here we have 3v is equal to v2 minus v1. So this is also 3v. So now if we subtract here, what we'll get? This is minus, this is plus. So v2 got cancelled. 0 is equal to 3v1. So v1 is equal to 0 and v2 is equal to, v1 is equal to 0 and v2 is equal to 3v. So afterwards, after the collision, what will happen? This will come to rest and it will move with 3v velocity. Clear hai cheez? Ek rest mein aa jayega aur dusra 3v velocity se aage badhega. So next question is, in this question we have a ball in front of these two balls where A and B are identical balls. A is approaching towards B with speed v. A is approaching towards B with speed v. Then what will happen? It will get collided with B. B will gain some velocity. After that, B will move towards the wall and then it will collide with wall. After that, it will come back and it may hit the ball A. So basically, we have to find out the velocities of A and B after all the possible collisions. Find velocities of A and B after all the possible collisions. So here what we have, all the collisions are elastic and head on. So if we have E is equal to 1, which means elastic collision, what will happen? This is at rest, this is at rest, and this is this cannot move, or you can say it is a M greater than M type condition. So in dono ke beech kya hoga? Both are identical. Finally, ye rest mein tha pehle, so it will come to rest, it will move with V. So after first collision between A and B, A will come to rest, B will move with V in this direction. After that, what will happen? B is going to move with, after first collision, this is the situation, it is moving with V. Ye yahan jayega, it will hit this object, and now what we have, the heavy object is at rest and it is approaching with V, simply wo reflect ho ke aa jayega. Humne ye dekha tha, when m is very much greater than small m, ये ऐसे जाएगा स्मॉल m और उसी स्पीड से वापस आ जाएगा. सो फाइनली आफ्टर कॉलिजन बिटवीन b एंड वॉल, व्हाट विल बी द कंडीशन? ये b से इधर आएगा, ठीक है? अगेन b जो है b से इधर आया. नाउ अगेन इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा क्योंकि ये रेस्ट में बैठा हुआ है. ये तो क्या है? रेस्ट में बैठा हुआ है. तो अब इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा, तो वेन इट विल हिट दिस, इट विल कम टू रेस्ट एंड दिस विल मूव विथ v वेलोसिटी. सो आफ्टर ऑल पॉसिबल कॉलिजन्स, ये पहले रेस्ट में आया, फिर ये जाके इसको हिट किया, रिफ्लेक्ट होके आया, फिर उसके बाद इसको हिट किया, खुद रेस्ट में आ गया, एंड नाउ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v. a इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन दैट डायरेक्शन. सो बेसिकली आफ्टर ऑल द पॉसिबल कोलिजंस, b विल कम एट रेस्ट अगेन एंड a विल मूव विद सेम स्पीड इन द एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हियर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स 1 kg 2 kg, दे आर मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन in their collision is E is equal to half. Then we have to find out the final velocities. So simply, let's say, finally it is moving with V1 and it is moving with V2. So now what we have? We have value of coefficient of restitution. So what we can write? E is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2. So here we have V2 minus V1 to jaisa ka waisa, theek hai. U1 is 10 and U2 is 5 is equal to E, which is half. So here we have V2 minus V1 is equal to 2.5. This is the first equation. Second equation will come from the conservation of linear momentum. So M1 U1, 1 into 10 plus 2 into 5 is equal to 1 into V1 plus 2 into V2. So from here we have 10, 20 is equal to V1 plus 2V2. And here we have V2 minus V1 is equal to 2.5. So from here 3V2 is equal to 22.5. So V2 is equal to 22.5 divided by 3. And V1 is equal to V2 minus 2.5. V2, which is
22.5 by 3 minus V1 is equal to here V2 minus 2.5 minus 2.5. So 22.5 minus 7.5 divided by 3. So what we'll get? 22 minus 7, it is 15 by 3, which is 5 meter per second. So it is going to, finally it is going to move with 22.5 by 3 meter per second, and this one will move with 5 meter per second. Now next question is, here we have, this is moving with 10 meter per second in this direction, and it is moving with 5 meter per second in this direction. And then we have same condition, coefficient of restitution is half. Here also coefficient of restitution is half. Then we have to find out what will be the velocities of 1 kg and 2 kg. So here also we have a is equal to half. So let's do this. So in this case, 1 kg is moving with 10 and 2 kg is moving with 5 in this direction. 1 kg with 10 and 2 kg with 5 is equal to again half. Let's say it is moving with V2 finally and it is moving with V1 finally. So now here we have E is equal to half, which is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2. So 10 minus minus 5. So it will be plus. So V2 minus V1 divided by 15. So V2 minus V1 is equal to 30. And second equation will come from conservation of linear momentum. So 1 into 10 plus minus 2 into 5 is equal to V1 plus 2V2. So we have 2V2 plus V1 is equal to 0 and V2 minus V1 is equal to 30. ठीक है ना? तो पिछले केस में हमारे पास क्या था? V2 minus V1 is equal to 2.5. इधर हमारे पास है V2 minus V1 is equal to 30 and 2V2 plus V1 is equal to 0. So now V1 will get cancelled. 3V2 is equal to 30. V2 is equal to 10 and V1 is equal to V2 is equal to 10 and V1 is equal to V2 minus 30. So it is minus 20 meter per second. So now this is going to move with minus 20 meter per second. Matlab ye minus 20. Matlab idhar 20 se jane lagega and V2 will move with 10 meter per second in this direction. Clear hai ye cheez? To ab iske baad hum next question dekhte hain. So in the next question we have a wall which is moving. Ek wall keh lo ya aise koi heavy object. Basically they are trying to say that this object is very much heavier than this object. So it is moving with 10 meter per second in this direction and it is moving with 5 meter per second in this direction. And E is equal to 1 by 4. One important thing about the collision is, humne abhi kya dekha tha ki when we have head on and elastic collision, usme humne teen cases dekhe the. Jisme M1 is equal to M2 is equal to M was the first case. In next case, one object was very much heavier than the other, and in that case, हमने फिर दो situation देखी कि what will be the result after the collision. अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हम लोग जो heavier object वाली जो condition है, कि उसमें heavier object वाली condition में आपके पास ये जो case आया था कि जो object है heavier, it will continue to move with the same velocity. It will continue to move with the same velocity. हमारे पास आया था V2 is equal to U2. So this is valid when we have inelastic collision also. तो आपके हम लोगों ने जो equation लगाया V1 is equal to 2M2 U2 divided by M1 plus M2 and all that, हमने उसमें value put की कि M1 by M2 is approximately 0 and from there we got that V2 is equal to U2. Same चीज आपके लिए again ये homework है कि हमने जो without using E is equal to 1, हमने जो velocity, final velocity के equations लाए थे, P initial plus हमारे पास जो term आया था, उसमें आपको again क्या रखना है, M1 by M2 को 0 रख करके you have to find out, आपको find out करना है कि V1 is equal to क्या आया and V2 is equal to क्या आया, and then after that put E is equal to 1. You will get the same result for जो हमें elastic collision के लिए आया था. But इस case में भी when E is not equal to 1, मतलब inelastic और partially inelastic, in that case also this condition is valid कि अगर heavier object किसी velocity से चल रहा है, it will continue to move with that velocity and you have to verify this by keeping M1 by M2 is equal to 0 in the equation of final velocities V1 and V2 after the collision when we were taking the general case. जब आपने elastic collision का case नहीं लिया था, उस equation में, उस V1 और V2 के equation में you will put it and आपको मिलेगा कि V2 is equal to क्या आता है? It is equal to U2 only.
सो वी कैन यूज दिस कि आफ्टर कोलिजन इलास्टिक हो या इनलास्टिक हो द हैवियर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव विद सेम वेलोसिटी इफ इट वॉज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट इफ इट वॉज मूविंग विद सम वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी सो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग So here we have E is equal to 1 by 4. It is approaching towards the ball and ball is moving with 10 meter per second. Now after the collision, it will continue to move with the 10 meter per second. Or agar yahan pe head on and elastic collision hota. Head on to hai hi, but it is not elastic. So agar yahan pe elastic collision hota, to ye 2 kg wala jo block hai, wo 5 se aata. Aur fir uske baad 5 se hi chala jata. Theek hai? To in 5 se hi nahi chala jata, hum log use karte 2U1 minus U2. तो सिंपली हम इलास्टिक कोलिजन वाला कांसेप्ट यूज करते हैं बट नाउ हियर वी हैव इन इलास्टिक तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली कंडीशन लगाएंगे अगर हमारे पास E इज इक्वल टू 1 होता तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ठीक है अब हमें ये पता है कि इट इज गोइंग टू रिमेन सेम मतलब U2 एंड V2 तो सेम ही रहने वाले हैं तो U2 एंड V2 सेम रहेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी 2u2 माइनस u1 ठीक है दिस इज केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन बट नाउ हियर वी हैव e इज इक्वल टू 1 बाई 4 सो e इज इक्वल टू 1 बाई 4 रखा तो यहां से हमारे पास क्या आएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 So V2 क्या है V2 is the final velocity of second object. Final velocity of second object. Now this object is going to continue with the 10 meter per second in that direction. So what it will be? V2 is minus 10. पहले भी उतना ही था अभी भी उतना ही है माइनस V1 वो हमें फाइंड आउट करना है हमें नहीं पता इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 10 इन दिस डायरेक्शन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10 इन दिस डायरेक्शन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 5 फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो इट इज V1 So, U1 क्या है velocity of the first object which is 5 minus U2 क्या है U2 is minus 10 तो यहां पे आ जाएगा minus 10 इससे हमें मिला minus 10 plus V1 divided by 5 plus 10 it is 15 So, now we have 15 by 4 is equal to minus 10 minus V1 So, V1 is equal to 15 by 4 minus 15 by 4 minus 10 So, it will be V1 is equal to 3.75 minus 10, so V1 is equal to minus 13.75 meter per second. Velocity of the first object will be minus 13.75 in that direction. So, kya hua? 10 meter per second se ye chal raha tha. It is coming towards the wall with 5 meter per second aur wapas reflect hoke kitne se chala gaya? Ye chala gaya minus 13.75 meter per second ki speed se. Now, next question is this. In this case also, we have m greater than m. अब इसमें क्या है द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन तो अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जब मैंने एकदम फर्स्ट जो एग्जांपल कराया था यहां पे क्या है वॉट एवर चेंज इन मोमेंटम इसकी वेलोसिटी जो भी चेंज होगी दैट विल चेंज ओनली इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ठीक है इसकी एक वेलोसिटी आएगी इधर और एक वेलोसिटी आएगी इधर इस डायरेक्शन में कौन सी आएगी दिस इज 60 4 cos 60 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड नाउ द वेलोसिटी विच इज इन दिस डायरेक्शन Only that velocity will get affected because force is only in that direction. Force is only in this direction. So, ye affect hogi. Ab finally, this m is going to move with 10 meter per second. Iski velocity to change hogi nahi. Iski velocity finally jo hogi, idhar hogi maan lo vx. Ye aise gaya aur aise reflect hoke aaya. Hame nahi pata kitne se aaya. Let's say vx se aaya. Theek hai. Ab yahan pe for this जो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो तो पहले जितनी थी उतनी रहेगी बिकॉज देर इज नो इम्पल्सिव फोर्स अगर आप यहाँ पे कोलिजन होगा तो इस वाले डायरेक्शन में देर इज नो इम्पल्सिव फोर्स क्लियर है कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज बट इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है इट इज गोइंग टू चेंज तो हमने मान लिया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हम पहले से डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रहे हैं हम ले रहे हैं इसकी V1 है ठीक है यही लेना है पूरे केसेस में यही लो किधर जा रहा है पहले से मत सोचो जस्ट टेक इट इज V1 डायरेक्शन अपने आप आएगा द साइन विल कम ऑटोमेटिकली ठीक है तो फाइनली इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया V1 ऐसे गया और फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी ही हमें नहीं पता जैसे हमने यहां पे क्या लिया डायरेक्टली मैंने लिया V1 किसकी फाइनल वेलोसिटी है V1 शुरू से फ्रॉम द स्टार्टिंग डेरिवेशन से लेकर के हर जगह U1 U2 V1
V1, V2, आपका V1 ऑटोमेटिकली आएगा, जैसे यहाँ आया -13.75, मतलब इधर जा रहा है विद 13.75। तो फाइनली ये वाला तो चेंज होने वाला नहीं है, वी जस्ट वॉन्ट टू नो कि जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो कितना चेंज हुआ। सिंपली व्हाट वी विल यूज, यहाँ पे हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू हाफ, हाफ इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। V2 क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इट इज -10, पहले भी उतनी थी, माइनस V1 फाइनल वेलोसिटी इसकी डिवाइडेड बाई, एंड ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हम वर्टिकल के बारे में बात ही नहीं कर रहे। U1 कितना है, इनिशियली इट्स वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 2, माइनस U2 कितना है, -10, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ, तो ये हो गया 12, सो इट इज 6, सो 6 इज इक्वल टू -10 माइनस V1, सो V1 इज इक्वल टू -10 माइनस -10 -6, इट इज -16, सो नाउ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, V1 इज इक्वल टू -16 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज मूविंग विथ -16 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला कंपोनेंट तो वैसे ही रहेगा, कितना था 4 sin 30, मतलब 4√3/2, मतलब 2√3, तो अभी भी नीचे तो 2√3 से जाएगा, सो फाइनली इट्स स्पीड विल बी 16 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन एंड 2√3 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे आया और फिर ऐसे जाएगा, क्लियर है ये चीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसमें क्या है, इट इज कमिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, इधर अलग अलग बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें दिखे, बट बेसिकली इट विल कम लाइक दिस एंड इट विल मूव अप लाइक दिस, सो इट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट बिकॉज ये फ्लोर है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, इट इज गोइंग टू रिमेन एट रेस्ट, ये सारे वैसे ही हैं, क्लियर है ये चीज। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो इस केस में क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है एंड देन विद व्हाट वेलोसिटी इट विल गो बैक, सो सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन, अप्लाई द इक्वेशन, आपको मिल जाएगा यू नो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोर, इट विल बी 0। सो नाउ हाफ इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। V2 क्या है, इट्स फाइनल वेलोसिटी, इट इज 0। U1 क्या है, V1 क्या है, इट्स फाइनल वेलोसिटी, इट इज V डिवाइडेड बाई U1, U1 इज -5, मैंने इधर पॉजिटिव लिया और इधर नेगेटिव लिया, सो इट्स वेलोसिटी इज -5, ठीक है, माइनस U2 इज अगेन 0। So, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, -V/-5 इज इक्वल टू हाफ, सो V इज इक्वल टू 5/2, इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, सो इनिशियली इट वॉज कमिंग विथ 5 एंड फाइनली इट वॉज मूविंग विथ 2.5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, क्लियर है ये चीज। अब यहां पे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट इज कमिंग लाइक दिस विथ स्पीड सम V एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज U ऑन दिस सर्फेस, then what will be its velocity, its velocity is going to be, so ये तो rest में है, तो यहाँ पे क्या होगा, E is equal to V2 minus V1 by U1 minus U2, V2 is 0 minus V divided by U1 is minus V, अच्छा इसको हम लोग लिख लेते हैं V1, है ना, हमको final velocity निकालना है, या फिर इसको लिख लो U, U से आ रहा है और V से जा रहा है, it is going back with V, so its final velocity is 0, its final velocity is V, its final initial velocity is minus U, its initial velocity is minus U and its initial velocity is 0, so yahan se hamare paas kya aa gaya, V by U is equal to E, so V is equal to EU, basically I am trying to say ki jab koi bhi object floor pe aake takrayega and if coefficient of restitution is E, then kitni velocity se wapas jayega wo, V से आया, V जितने से भी आया, V से टकराया, it is hitting the ground with V, V से टकराया, when it will go back with EU, and when the collision is elastic, जब collision कैसा है, elastic है, तो E is equal to 1, तो जितने से आया, उतने से ही वापस जाएगा, with whatever velocity it is hitting the ground, with the same velocity it will go back, इसलिए वो जो आपकी magic ball होती है ना, जो बहुत ज्यादा जंप करती है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेरी, इट इज वेरी क्लोज टू 1, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि जितनी वेलोसिटी से वो हिट करता है उतनी वेलोसिटी से ऊपर जाता है, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू कवर, गो अप टू द सेम हाइट,
वो सेम हाइट तक जंप कर पाता है, नॉट सेम बट डिफरेंस बहुत कम होता है। अगर आप एक बार उसको फेंको तो बहुत देर तक वो ऑसिलेट करता रहता है, बहुत देर तक वो जंप करता रहता है बार बार, बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेरी मच क्लोज टू 1, तो इट विल गेन जितनी वेलोसिटी से आया उतने से ही वापस जाएगा, तो फिर उतनी हाइट तक जा पाएगा बिकॉज एनर्जी कंजर्व्ड है, तो वो उसी वेलोसिटी से वापस जाता है, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू कवर द सेम हाइट। क्लियर है? तो यहाँ पे इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग एंड इट इज हिटिंग द ग्राउंड, इफ इट इज कमिंग विद यू वेलोसिटी, इट विल गो बैक विद ई यू वेलोसिटी, इट विल गो बैक विद ई यू वेलोसिटी। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया, हाफ इंटू फाइव, हाफ इज ई, फाइव इज यू। अब इस केस में क्या है, इस केस में इट इज कमिंग विद वी वाई वेलोसिटी एंड इधर जा रहा है वी एक्स वेलोसिटी से, बेसिकली इट इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड लाइक दिस, इस तरीके से हिट करने वाला है और फिर ऐसे जाएगा। तो वी वांट टू नो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, तो हमें ये पता है कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो फाइनल वेलोसिटी में ये कंपोनेंट वी एक्स का वी एक्स ही रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, पहले वी वाई से जा रहा है तो ई वी वाई से वापस आएगा, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, तो ये ई वी वाई से वापस आएगा, सो नाउ वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, है ना। तो अब वी वाई से आया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, सो ई वी वाई से वापस जाएगा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम बिकॉज वॉट एवर फोर्स इज देयर, जो भी फोर्स है यहाँ पे, दैट इज नॉर्मल फोर्स एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, perpendicular to the surface, तो फिर horizontal component को how come it can change, ठीक है, तो यहाँ पे it will go with E, V, Y and V, X. So let's see this problem. So now here we have at 20 meter per second, we are throwing this object at 37 degree and it is given that this is the highest point of the trajectory. This is the highest point of the trajectory. So now we know that component in this direction will be how much, 20 cos 37, it is going to be 16 meter per second and this will be 12 meter per second. Now this component is not going to change throughout the path, it will remain same 16 meter per second. So jab yahan pe hit karega, its velocity will be 16 meter per second like this. Now E is equal to kya hai, E is 1 by 4, E is equal to hai 1 by 4. So now this is at its highest point. Ab is instant pe hume ye pata hai ki the component of velocity, वैसे यहां पे इसकी वेलोसिटी ओनली 16 है, तो इसके परपेंडिकुलर, इस वॉल के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इट कैन चेंज ओनली दिस कंपोनेंट, है ना, जो भी मोमेंटम है इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दैट इज कंप्लीटली इन दिस डायरेक्शन, तो सिर्फ वही कंपोनेंट चेंज हो सकता है। तो अगर कोई भी सर्फेस है, अगर यू स्पीड से आया, कोई भी सर्फेस है वहां पे, अगर ये यू स्पीड से आया एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, देन द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज गोइंग टू गो बैक इज ई यू। तो ये कितने से आया है, 16 से आया है, तो वापस कितने से जाएगा, इट विल गो विद 16 इंटू 1 बाई 4 विच मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड, इट इज गोइंग बैक विद 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड से ये वापस जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से इट इज गोइंग बैक। नाउ ये कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है उससे आप क्या निकाल लोगे कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने में, एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट इट्स रेंज। तो अब यहां पे क्या था, दिस लेंथ इज आर बाई टू, क्योंकि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो हम यहाँ पे रेंज निकाल लेते हैं, रेंज कितनी है, तो रेंज है 2 इंटू यू स्क्वायर विच इज 20 इंटू 20 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, सो इट विल बी 38.4 meter. So now R by 2 will be 19.2 meter. So this length is 19.2 meter. Clear? Time of flight कितना है? तो यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचा, not time of flight, the maximum height. Because we need to find out ना कि इसको नीचे आने में कितना time लगेगा. तो अब यहाँ पे हमारे पास है कि ये कितनी height पे है? This height we want to calculate. So H is equal to U square साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सो फ्रॉम हियर वी हैव (36/5), सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। नाउ इट इज कमिंग बैक विथ 4 मीटर पर सेकेंड एंड इट हैज टू कवर द हाइट ऑफ 36/5, मतलब 7.5
2 meter. So now it is at height 7.2 meter and it has to cover this distance in y and यहाँ पे आके गिरेगा. Clear है? तो हम time निकाल सकते हैं यहाँ पे y में velocity कितनी है. U in y is 0. Simple है, projectile का question हो गया कि कितने दूर जाके वो गिरेगा. तो इसको time कितना लगेगा? Time will be root 2 h by g. So 2 कितना h कितना है? 7.2 divided by 10. So यहाँ से हमारे पास आ गया, इसको नीचे ले आओ. So now we have 2 into 6 divided by 10, it is 1.2 seconds. 1.2 seconds लगा, तो इसने distance x में कितना cover किया होगा? 4 into 1.2, it is 4.8 meter. So basically this total distance was 19.2 meter और ये अभी कहां गिरा है? It has fallen at 4.2 meter. So basically कुछ ऐसे आके गिरा है वो इस जगह पे. तो यहां पे हुआ क्या है? भाई हमें पता है कि this is the highest point. तो हमने ये मैक्सिमम हाइट निकाल लिया. नाउ बेसिकली आपको क्या करना है, वी वांट टू नो व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. उसके बाद इस हाइट के हिसाब से यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि उसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा. मल्टीप्लाई दैट टाइम इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एंड सिंपली यू विल गेट द डिस्टेंस व्हिच इट हैज कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन. तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल. और यहां पे सेंटर ऑफ मास या फिर कोलिजन का सिर्फ कितना रोल है? सिर्फ इतना रोल है कि यू विल फाइंड आउट इट्स फाइनल वेलोसिटी विद विच इट इज गोइंग टू कम बैक. क्लियर? तो यहाँ पे अगर ये कोई अगर ये हाईएस्ट पॉइंट ना भी होता तो इफ इट इज नॉट द हाईएस्ट पॉइंट देन देयर विल बी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एज वेल एज इन एक्स डायरेक्शन. बट वी नो कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट आफ्टर द कोलिजन इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल चेंज. क्योंकि द नॉर्मल फोर्स, द इंपल्सिव फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट बिटवीन द object during the collision, it is only in x direction. So only velocity of x direction will change. So these are some questions in collision. In the next class we will be solving some more questions on collision and then we'll start our next topic which is variable mass. So अच्छे से पढ़ते रहेंगे. Thank you.